वेलकम इन दिस सेशन। टुडे वी हैव डिस्कसिंग रीजन फिलिंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। की व्हाट इज द रीजन फिलिंग एल्गोरिथम, कि जो हमारा सर्किल हो या कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर हम उसमें कलर फिल करें तो किस कौन सी एल्गोरिथम है जिनसे हम कलर फिल कर सकते हैं। तो ऐसी एल्गोरिथम जो हमें एक पर्टिकुलर एरिया में कलर फिल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उसको बोलते हैं रीजन फिलिंग। रीजन फिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग इन कोई भी जो हमारा पॉलीगॉन है या इमेज है, उसमें अगर हम कलर फिल करना चाहें तो उसके लिए हमें कोई रीजन फिलिंग एल्गोरिथम यूज करनी होगी। ये डेफिनेटिव इमेज एरिया और रीजन, रीजन में भी डिफाइन एट द पिक्सल और जियोमेट्रिकल लेवल। अगर रीजन फिलिंग की हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि जब हम रीजन फिलिंग की बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास ये हमने एक फिगर बना ली, ठीक है, या तो इसमें पूरे में हमने कलर फिल करें तो हम कहेंगे कि जियोमेट्रिकल फिगर को हम फिल कर रहे हैं, पूरे में हमने फिल कर दी। या ये हमारा ये कोई फिगर है और इसके सिर्फ इस एरिया में हमने कोई अलग कलर फिल कर लिया पिक्सल लेवल पे, तो ये पिक्सल लेवल हो गया। जब हमें सिर्फ एक पॉइंट पे कोई कलर करना है, ये हुआ आपका पिक्सल PIXEL पिक्सल लेवल, और ये है आपका जियोमेट्रिकल लेवल। तो इन दोनों एरिया में हमारी जो अगर हमें कलर फिल करना है इस पूरे के जियोमेट्रिकल एरिया में या किसी पिक्सल पे, तो उसके लिए हमें रीजन फिलिंग एल्गोरिथम की नीड पड़ेगी। अलग अलग तरह की अप्रोचेज होते हैं इनके, तो वही हमको पढ़ना है कि किस तरीके से अप्रोचेज होंगे। एट ए पिक्सल लेवल वी डिस्क्राइब अ रीजन आइदर इन टर्म ऑफ बाउंडिंग पिक्सल दैट आउटलाइन इट और एज टोटली द पिक्सल दैट कंप्राइजेस इट। इसमें क्या है कि हमारे पास, अब इसकी बात करते हैं भाई, पिक्सल लेवल पे जब हमारी एल्गोरिथम काम करेगी तो वो पता कैसे चलेगा उसे कहां तक के पिक्सल करने। जैसे ये हमारा फिगर है तो इसने क्या करा, रेड पिक्सल्स करने, तो ये रेड करता हुआ जा रहा है इन सभी पिक्सल्स को। जैसे ये बाउंड्री पे आया, बाउंड्री किसी और कलर की है, वहीं रुक जाएगा, उससे आगे के पिक्सल ये कलरिंग नहीं करेगा। ये तो हुआ पिक्सल लेवल पे। दूसरा जो है, अगर ज्योमेट्रिकल लेवल हुआ तो ये क्या कहेगा कि रेक्टेंगल का जो हमारा एरिया है वो किससे डिफाइन होगा, उसके कोऑर्डिनेट से, कि यहां से शुरू हो जाओ फिल करने, किससे, एक्स वन वाई वन से। और दूसरा ये हो गया हमारा कॉर्नर, इसके बीच के जो भी एरिया में आ रहे हैं उनको फिल करो, या कर्व्स हैं ये, इस तरह के कर्व्स हैं, ये किसी ना किसी इक्वेशन से हमारे डिफाइन है। उस इक्वेशन के जो प्रोड्यूस होता है रिजल्ट, उसके अंडर जो पिक्सल्स आएंगे उन सब पे कलर कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल लेवल की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जो हमें उस एरिया के बारे में जानकारी देगा जहां पे हमें पिक्सल कलर करने हैं। लेकिन अगर पिक्सल लेवल की बात करें तो बाउंड्री पे जो कलर है वो हमें बताएगा कि बस यहाँ तक हमें कलर करने हैं पिक्सल, और उसके बाद हमें आगे पिक्सल कलरिंग नहीं करनी है। यानी जो बाउंड्री के पिक्सल्स हैं वो किसी और कलर के होंगे, और इंटरनल जो पिक्सल्स हैं वो किसी और कलर के होंगे। तब तक हम पिक्सल्स को कलर करते चले जाएंगे जब तक सेम कलर वाले पिक्सल मिलते हैं। यहाँ सारे व्हाइट पिक्सल्स हैं तो चलते जाएंगे इनको कलरिंग करते जाएंगे। अगर ये आउटलाइन हमारा ब्लैक्स है
तो ये पिक्सल्स अलग कलर के हो गए हमारे पास। जैसे ही अलग कलर का पिक्सल मिलेगा इससे अलग, वाइट से अलग, बस उसके बाद कलरिंग रुक जाएगी। ये है हमारा पिक्सल लेवल की कलरिंग और ये जियोमेट्रिकल लेवल। अब इसी पे बेस हमने पूरा का पूरा डिस्कशन करना है कि भाई इन दोनों मेथड का यूज करते हुए किस तरीके से हमारी एल्गोरिथम बनाई जाती है। ये लिखा ना यहाँ पे, एट द पिक्सल लेवल वी डिस्क्राइब ए रीजन आइदर इन टर्म ऑफ बाउंडिंग पिक्सल। जो हमारे बाउंड्री पे पिक्सल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें बताएगी कि यहाँ तक हमें पिक्सल्स कलर करना है। दैट आउटलाइन इट एज द टोटलिटी ऑफ पिक्सल दैट कंप्राइज इट। दूसरा जो हमारा एट जियोमेट्रिकल लेवल, रीजन डिफाइन और इनक्लोज बाई सच एब्स्ट्रैक्ट काउंट कंटूरिंग्स एलिमेंट्स एज कनेक्टेड लाइंस और कर्व्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलीगोन रीजन्स और फिलिंग पॉलीगोन्स। पॉलीगोन रीजन्स के करेक्टरिस्टिक्स होता है, जो पॉलीगोन हम बनाते हैं, पॉलीगोन है क्या असल में, जिस भी फिगर का हमें नाम ना पता हो और लाइनों से मिलके बनी हो वो पॉलीगोन है। ये भी पॉलीगोन है हमारा, ठीक है, ये भी पॉलीगोन है हमारा। इसको हमने क्या कहा, स्क्वायर कह दिया। इसको ये इस तरह का जो है पॉलीगोन है इसको हमने रेक्टेंगल कह दिया। तो सारी फिगर जो लाइनों से बनी है पॉलीगोन ही है, बस कुछ का जिनका नाम है हमें पता उनका हमने नाम लिख दिया, जिनका नाम नहीं पता उनको बस पॉलीगोन बोल दिया। लेकिन इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ जो इस बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं। उन करेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या करना है, उन करेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हुए ये पता लगाना है कि कितना रीजन उनके उस पर्टिकुलर पॉलीगन के अंदर आ रहा है और उस पूरे हम एरिया को कलर करने वाले हैं। जो अगर हम पिक्सल लेवल की बात करें तो हमारे पास पिक्सल लेवल की जो हमारी एल्गोरिथम्स हैं यही मेन एल्गोरिथम्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। ये दो एल्गोरिथम्स हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जियोमेट्रिकल की इसमें कोई भी हमारी टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। हमें पता है कि इस एरिया से इस एरिया तक सारे कलर करने हैं, कोई अप्रोच ही नहीं है। बस हमारे पास सिंपल है कि यहाँ से एक्स वाई हो गया और यहाँ तक की एक्स वाई हो गया, इसके बीच में जितने पिक्सल्स हैं इनको कलर करना है, कैसे भी फिल कर दो। बट पिक्सल लेवल पे अगर हम बात करें ये यहाँ पे हमें दो तरीके की अप्रोचेज मिलती हैं, एक तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, एक फ्लड फिल एल्गोरिथम। ये दो एल्गोरिथम है जो शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछी जा सकती हैं कि बाउंड्री फिल एल्गोरिथम क्या है, फ्लड फिल एल्गोरिथम क्या है। तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, जैसा कि हमें पता ही है कि जो हमारे बाउंड्री वाले पिक्सल्स हैं, हर बार हम पिक्सल्स को ये चेक करते हैं कि जो हमारा पिक्सल्स है इसका कलर हमारे जो पर जिससे हमने स्टार्ट किया था उसको बोलते हैं सीड। उसका नाम, उस पिक्सल का नाम बोल देते हैं सीड। सीड का सपोज करो व्हाइट कलर है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पिक्सल है ये सीड के कलर से मैच करता है कि, अगर सीड के कलर से मैच करता कलर कर दो, फिर उसके बराबर वाले को चेक करो कि ये सीड से मैच करता कि जी हाँ, तो फिर कलर कर दो। नेक्स्ट पे आपको बाउंड्री पे पहुंचिए, सीड से मैच नहीं करता तो उसको वहीं रोक दो, उसके बाद आगे नहीं जाना है। रिकर्सिवली कॉल होगा फंक्शन, दिस इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट बिगन विद ए स्टार्टिंग पिक्सल कॉल्ड ए सीड। जो हमारा स्टार्टिंग पिक्सल्स है जिसको सबसे पहले हमने कलर किया था उसका नाम हमने यहाँ रखा हुआ है सीड। द एल्गोरिथम चेक टू सी इफ द पिक्सल इज बाउंड्री पिक्सल और हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड। इफ आंसर इज नो, इफ फिल द पिक्सल, यहाँ पे क्या करना है, जब हम देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, पिक्सल तो बहुत छोटे होते हैं। यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं, ये है, ये बना मान लिया हमारे पिक्सल, ठीक है, ये पिक्सल्स हैं।
ये हमारा सीड है बीच वाला, इस पे हमने कोई कलर फिल कर दिया है। अब इसको क्या करना है, ये चेक करना है कि बराबर वाला सीड के कलर का है, सीड जैसा ही था। यस, इसको कर दो आप, इसको भी कलर कर दो। अब इसको कलर कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, इसको चेक करेंगे, सीड के कलर से मैच कर रहा है। यस, कर दो, ठीक है। बट अब दोबारे से आया, मान लो रिकर्सिव कॉल है, और किसी कारण से हमारा कॉलिंग से ये पिक्सल फिर से आ जाता है इसी पे कंट्रोल, तो ये पहले से टिक लगा हुआ है ना इस पे, तो ये इसे स्किप करेगा, अपने चारों तरफ के पिक्सल देख रहे हैं इसको, तो ये यहाँ गया यहाँ गया, अब ये इधर देखेगा, भैया यहाँ देख लो। यस, सीड जैसा ही कलर है, कर दो इसको कलर, सीड जैसा कलर है, कर दो, कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब फिर आया ये, यहाँ यहाँ मिल गया, पहले से ही टिक लगा हुआ, छोड़ दो, काम हो गया। अब ये शुरू कर देगा अपने चारों तरफ, ये अपने चारों तरफ के पिक्सल्स, इस तरफ वालों को छोड़ देगा क्योंकि इधर वालों पे टिक लगा हुआ ही है। ऐसे चलता रहेगा कब तक, जब तक वो बाउंड्री पे ना पहुंच जाए। ये टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये लिखा था एल्गोरिथम, चेक द पिक्सल बाउंड्री पिक्सल, या तो वो बाउंड्री पे रुकने वाला है या पहले से फिल है तो छोड़ दो, नहीं तो उसे क्या करना है, फिल कर दो। रिकर्सिव कॉल टू द इटसेल्फ ईच एंड एवरी नाइबर पिक्सल ए न्यू सीड। अब जो पड़ोसी था हमारा जिसको हमने कलर कर दिया था, अब वो सीड बन जाएगा। इफ आंसर इज यस, एल्गोरिथम सिंपली रिटर्न इट्स कॉलर। जब सारे हो जाएंगे, या तो बाउंड्री पे चले जाए या उसके चारों तरफ खत्म हो जाए, तो जहां कॉलर यानी जिसने उस रिकर्सिव एल्गोरिथम को कॉल किया था, कॉलर बोलते किसको है, अब ये भी समझना जरूरी है। यहां से मैं बता देता हूँ, एक हमारा फंक्शन है, देखो ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे हमने फिगर बना रखी है, और ये हमारा सब रूटीन है जो हमारे कलर कलरिंग कर रहा है। कलरिंग करने वाले सब प्रोग्राम को कौन कॉल करेगा, ये हमारा मेन प्रोग्राम। इस कलरिंग प्रोग्राम ने अपना काम कर लिया, वापिस कहाँ पहुंचेगा, रिटर्न। ये इसको कॉलर बोलते हैं, और ये कॉली है, इसका नाम हो गया कॉलर, जो इसे कॉल कर रहा है, इसको बोले कॉलर, और ये हो गया कॉली। कॉली COLLIE, ये है कॉली और ये है कॉलर। इस तरीके से कॉलर ने कॉली को कॉल किया, इसने अपना काम कर लिया, वापस पहुंच गया कॉलर के पास, ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। ये अब इसका टेक्निक है कि भाई जो कलरिंग होगी वो किस तरीके से होगा। एक तो 4 कनेक्टेड रीजन्स हैं, एक 8 कनेक्टेड रीजन्स हैं। ये हमारा सीड है, ये अपने चारों तरफ के चार जो हमारे पिक्सेल्स हैं उन्हें कलर करता है, तो हो गया 4 कनेक्टेड। ये रखा 4 कनेक्टेड, वेयर ए पिक्सेल मे हैव अप टू 4 नाइबर्स, 4 जो नाइबरिंग पिक्सेल्स हैं उनको कलर करेगा। 8 कनेक्टेड, वेयर ए पिक्सेल मे हैव अप टू 8 नाइबर्स, द पिक्सेल ऑन द राइट लेफ्ट अबव बिलो एंड 4 डायगनल्स, ये हो गए, और 4 इनके डायगनल्स हो गए। ये 8 को कलर करते हुए आगे पढ़ेगा। ये 4 को करा, फिर इसको सीड बना दिया इसने, फिर 4 को करा, इसे सीड बना दिया इसने, 4 को करा, ये 8 8 को लेके चलेगा, ऐसे बढ़ता चले जाएगा। यहाँ पे हमने एक स्यूडो कोड जो दिया हुआ है, वो 4, जहाँ पे हमारे पास 4 कनेक्टेड एल्गोरिथम्स है, उसका एक स्यूडो कोड है। ये तो वो फिल कलर है,
जिसे हमें फिल करना है, ये बाउंड्री कलर है जहां पे हमें रुकना है। ये एक्स और वाई है सीड, जो हमारा स्टार्टिंग का जो पिक्सल्स है, सीडिंग जिसको हम सीड बोल रहे थे, उसका एड्रेस है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमने उठा लिया, गेट पिक्सल एक्स, और ये पता चल गया कि हमें कौन सा कलर है। अब हमें ये चेक करना है जो उसका कलर है वो बाउंड्री कलर से मैच नहीं होना चाहिए, और वही कलर जो सीडिंग का है वही हमें फिल नहीं करना। देखो व्हाइट कलर है तो हमारी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, ब्लैक हो या कुछ भी हो, व्हाइट ना हो जिस कलर का सीड है। दूसरा, अगर व्हाइट हमारा कलर है तो जो फिलिंग कलर है वो अदर देन व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है, जो बाउंड्री है उसका कलर भी अलग होगा, बाउंड्री का कलर भी अलग होगा, और जो हम फिल कर रहे हैं कलर वो भी अलग होगा सीड के कलर से। अब क्या करेंगे हम, सेट पिक्सल का मतलब जो हमने सीड लिया था उसमें कलर फिल कर दिया जो हमें फिल करना था। अब उससे एक लेफ्ट एक राइट, यहाँ पे देखो अभी बताता हूँ कैसे होगा, इसको क्लियर कर देते हैं, सारा क्लियर कर लो। ठीक है, ये हमारा सीट हो गया चार, अभी इसके छोटे छोटे भाई बना दो, एक ये एक ये एक ये एक ये। यहां से जब हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ क्या हुआ, एक्स बढ़ेगा, ये हमने कहा ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरफ हमारा क्या है एक्स, और ये हो गया आपका वाई। तो जब इससे इधर जाओगे तो एक्स में क्या होगा, अगर ये एक्स और वाई है एक्स कोमा वाई, तो इस तरफ क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस वन अगला नेक्स्ट कोमा वाई। ठीक है, ये वाला क्या होगा, ये इससे पीछे, ये होगा आपका एक्स माइनस वन कोमा वाई, इसको जो पहचान होगा वो ये होगा। इसकी पहचान क्या है, वाई है तो ये वाई से ऊपर है, तो ये है एक्स तो वही है, तो एक्स को तो एक्स ही रख देंगे और वाई को लिख देंगे वाई प्लस वन। इस तरफ का मतलब है इस तरफ तो घट रहा है, नीचे की तरफ होगा माइनस, यहाँ है डिक्रीज। ये हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, और इस तरफ से एक्स हो रहा है इंक्रीज। तो यहाँ एक्स और वाई प्लस वन, यहाँ क्या होगा आपका, एक्स तो एक्स ही रहना है, और आपका हो जाएगा वाई एक कम। तो ये इनकी लोकेशन होगी, तो बाउंड्री फिल जो एल्गोरिथम है वो इनको को कॉल करेगी। कैसे कॉल करेगी, अब ये देखते हैं हम कॉल कैसे करेगी। ये बाउंड्री फिल इसको कॉल करती है अगले एक्स प्लस वाई, और फिल कर दिया हमारा कलर जो भी हमें फिल करना था, और ये हमने इसलिए पास करा कि हम चेक कर लेंगे बाउंड्री वाला तो नहीं है। अब दूसरा वाई प्लस वन यानी नीचे, हम ऊपर वाले पॉइंट पे जाते हैं सीड से ऊपर वाला वाई, फिल कलर बाउंड्री कलर, फिर ये हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये नीचे वाला, ऐसे रिकर्सिव कॉल करता रहेगा इसको, इस तरह से करेगा फ्लड फिल, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, सॉरी फ्लड नहीं बाउंड्री फिल। अब आ गया फ्लड फिल, फ्लड फिल एल्गोरिथम्स क्या है, इसका अप्रोच ऐसा ही होता है जैसे बाउंड्री फिल है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जो है हमारे पास क्या होगा,
जो इंटीरियर कलर है, जब तक उसे कोई भी अलग कलर नहीं मिलेगा तो डिजायर कलर जो है उसको फिल करता चलेगा, एक जैसे जो भी पिक्सल्स है सब भरता चले जाएगा। सेम कलर मिला भर दो उसको, चार नहीं देखने, छह नहीं देखने, ठीक है, सारे फिल करता चले जाएगा। दिस इज द मेथड विच इज यूज टू फिल द एरिया बाउंडेड बाई डिफरेंट कलर। जो डिफरेंट कलर की बाउंड्री है सीधे भरता चले जाएगा जो भी उसके जैसा कलर होगा, ना कोई सीट बनाने वाला ना कुछ, देख लिया सेम कलर है उसके जैसा फिल कर दो। हाँ बाउंड्री पे पहुंचा, डिफरेंट कलर्स हैं, रुक जाएगा। सच एरिया कैन बी पेंटेड बाय रिप्लेसिंग स्पेसिफिक इंटीरियर कलर। एक जैसा ही इंटीरियर कलर फिल होगा सब में। वी स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड इंटीरियर पॉइंट एंड रीअसाइन द पिक्सल वैल्यू दैट आर करंटली सेट टू अ गिवन इंटीरियर कलर विद डिजायर फिल कलर्स। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे बीच में जो व्हाइट है यहाँ पे देखो, इससे बता देता हूँ हमने क्या बनाया हुआ है। एक सर्किल बनाया हुआ है, पाई चार्ट बनाया हुआ है, और इसमें ये व्हाइट एरिया है सेक्टर के अंदर। अब जैसे हम फिल करना करेंगे, ग्रीन कलर से फिल करना चाह रहे हैं, तो जैसे इस कलर से हम फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से देखता चले जाएगा। जैसे यहाँ फिल शुरू होगा तो इसके बराबर में जो भी वाइट है सब फिल करता चले जाएगा। कब तक फिल करता चले जाएगा? जब तक उसे बाउंड्री पर कोई और कलर ना मिले। इसीलिए इसका नाम फ्लड फिल है। ये रुकता नहीं है ना, सीड एक बार क्रिएट करा और फिर उसके बाद बढ़ता चले जाएगा जब तक खत्म ना हो जाए। यहाँ पे देखो सेम वही अप्रोच है जैसे उसमें था, फिल कलर ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर से मैच करेगा, मैच होते ही फिल कर देगा। वहां क्या था, वहां वो बाउंड्री कलर देख रहा था कि बाउंड्री कलर से मैच तो नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो रोक देगा। यहाँ इसने कहा कहा मेरे जैसा कलर है फिल कर दो, क्योंकि ये भी अप्रोच वैसी कर रहा है, शुरू में चार फिर में चार। तो फ्लड फिल्म में और बाउंड्री फिल्म में अंतर क्या है? ये तो हर बार मैच करता है कि बाउंड्री का कलर मैच करो, अगर बाउंड्री का कलर अवेलेबल है तो रुक जाओ। इसने क्या करना है, फ्लड फिल्म में मेरे जैसा कलर है तो फिल कर दो इसे, अपने जैसा बना दो इसे भी। तो यहाँ पे हमने गेट पिक्सल पिक्सल उठाया और उससे कलर मैच कर लिया, कि जो ओरिजिनल कलर है उससे मैच कर रहा है, गुड, तो फिल कर दो उसके बराबर वाले को, फिल कर दो उससे ऊपर वाले को, फिल कर दो उसके साइड वाले को, फिल कर दो उससे नीचे वाले को, फिल कर दो, फिर वहां से आगे फिर चलना शुरू होगा, ऐसे बढ़ता चले जाएगा। ये लॉजिक है इसका। ये दोनों शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है, जिस तरीके से ये पूरी एल्गोरिथम वर्क करती है, इसमें यही लॉजिक था कि वर्किंग कैसे होगी, ठीक है।